नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात कर रही हूँ ये ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन के बारे में। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसे लोकल लैंग्वेज में शकरकंदी भी कहा जाता है, पर जो हम रेगुलर शकरकंद होता है वो ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन, नियॉन ग्रीन कलर का होता है, उसको हम खाने में यूज़ करते हैं। इसको भी खा सकते हैं, ये भी इडेबल है, लेकिन इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता है। और दोस्तों, मेरे वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। और जो भी नए व्यूवर्स हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों, इसके बारे में हम पॉइंट वाइज बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके प्रोपागेशन की बात करते हैं। तो ये प्रोपागेशन दो तरीके से हो जाता है। इसमें जो ट्यूबर बनते हैं, जब प्लांट थोड़ा मैच्योर हो जाए तो ट्यूबर बनता है, तो आप वो ट्यूबर निकाल के आप दूसरे पॉट में लगा सकते हैं, या फिर जैसे स्टेम थोड़ा मैच्योर हो जाए तो ये नोड बनता है। देखिए, जैसे ये स्टेम मैच्योर हो गया है, इसमें नोड है, तो आप इसको यहाँ से तोड़ के आप चाहे तो पानी में भी प्रोपागेट कर सकते हैं, या आप कैसे भी सिंपल से मिट्टी में भी डाल देंगे तो भी ये अच्छे से प्रोपागेट हो जाता है। ये पाँच छः दिन में अपना ग्रोथ शो कर लेता है, रूट भी डेवलप हो जाता है और शूट भी डेवलप हो जाता है। 5-6 दिन ही लगते हैं। और जब भी आप इसको कटिंग से ग्रो करें तो छांव में रख दीजिए 1 हफ्ते तक। उसके बाद आप सुबह की हल्की धूप में इसको शिफ्ट कर दीजिएगा। और इसका ग्रोइंग पीरियड समर होता है, पर आप समर में इसे सेमी सेडेड एरिया में रखिए, या फिर आप ऐसे जगह में रखिए जहाँ पे सुबह की आधा एक घंटे की धूप पड़ती हो, ऐसे जगह में आप इसे रखिए, तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। और ये बेल की तरह ग्रो होता है इसको, और ये जो रेगुलर शकरकंद जो होता है वो पैरट ग्रीन कलर का होता है। तो दोनों प्लांट को अगर आप साथ में एक ही पॉट में या दो पॉट आसपास ही रखते हैं तो दोनों बहुत अच्छे से ग्रो होगा, तो इसका कलर कम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसके वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसको ज़्यादा शॉगी सॉइल पसंद नहीं है, तो आप गर्मी में हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन इसे पानी दे सकते हैं, यानी एक एक दिन गैप करके इसमें पानी दे दीजिए, या फिर आप मिट्टी चेक कर लीजिए, टॉप लेयर जो अगर ड्राई हो गया हो तो इसमें पानी दे दीजिए। और कभी कभी जब पानी की कमी से प्लांट शॉक में आ जाता है तो इसका जो लीफ है ये ऐसे लटक जाता है, ऐसे नीचे की तरफ लटक जाता है, तब आप समझ जाइए कि इसमें पानी की कमी है, तो आप इसमें तुरंत पानी दे दीजिए। और इसका सोयल जो है वेल ड्रेन सोयल इसे पसंद है, तो आप इसके भुरभुरी मिट्टी बनाइए और सॉफ्ट, जिसमें पानी ना रुके, एक्स्ट्रा जो पानी है वो ड्रेन आउट हो जाए, ऐसी आप मिट्टी इसको तैयार कीजिए। और इसके फ्लावरिंग पीरियड जो है मॉनसून के बाद, जैसे हल्की हल्की ठंड शुरू होती है तब इसमें फ्लावरिंग करता है ये प्लांट, और जब प्लांट बहुत मैच्योर हो जाए तभी फ्लावरिंग करता है ये। ये लास्ट ईयर मॉनसून में मैंने कटिंग से ग्रो किया है था, तो हो सकता है इस बार ये फ्लावरिंग करे। और इसके फ्लावर पर्पल कलर के छोटे छोटे से होते हैं, और मॉनसून के बाद हो सकता है इसमें भी हो फ्लावरिंग, अभी तक तो मैंने इसके फ्लावर नहीं देखे हैं। और ये बहुत ही लो फीडर फर्टिलाइज़र फीडर प्लांट है, इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। आप साल में 2 से 3 बार आप इसमें गोबर खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट दे दीजिए। मैं तो इसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट ही देती हूँ, देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो हुआ है। और विंटर में इसके ग्रोथ कम हो जाता है, तब आप इसके जो एक्स्ट्रा ये लीफ है और छोटे छोटे ब्रांचेस है उसको आप कट कर दीजिए, और जो मेन ब्रांच है जैसे इसमें है, ये बहुत अच्छे से इतना पोर्शन बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, और छोटे छोटे जितने भी ये सब है इसको कट कर देंगे तो ये बच जाएगा, क्योंकि डोमेंसी विंटर इसका डोमेंसी पीरियड होता है।
तो इस तरीके से हम इसे बचा सकते हैं। और इसमें जो है मिलीबग का अटैक कभी कभी हो जाता है, तब आप इसमें नीम ऑयल स्प्रे कर दीजिए, मिलीबग ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम इस प्लांट की देखभाल कर सकते हैं। और आप इसे ऐसी जगह में रखिए जहाँ पे धूप छन के आती हो, या सेमी शेडेड एरिया में रखिए, क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप होती है, बहुत गर्म लू बहता है, तो उस टाइम इसको बचा के रखना चाहिए। तब आप इसे सेमी शेडेड एरिया में रख लीजिए, ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। और दोस्तों, आशा करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।